हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम बात करेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस 2022 यानी कि 2022। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन मेरे को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया कि बच्चों को कैसे समझ आता होगा मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस के बारे में, राइट। सो आज अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि जितने भी बच्चे हो जिनको मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लाल वाला बटन जो सब्सक्राइब बटन होता है उसको दबा के रखो। छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी अपडेट तक, जब तक आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता लास्ट अगस्त तक, तब तक आपको उसके वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे, ओके। और भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे मैं मुंबई यूनिवर्सिटी, थापर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड जैसे IPU हो गई, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे 5 IISTE इसरो इंडिया हो गया, सो 5 से 6 कॉलेजों की आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो आई होप आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, ठीक है। तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता तो वो हमें दे सकता है, अपना प्रोसेस सारा हम कंप्लीट करके देते हैं उसे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी की। तो मुंबई यूनिवर्सिटी एक मतलब छोटी सी आप कमिटी मान सकते हो, जिसके अंडर में उसका खुद का एक कॉलेज है और फिर उससे बहुत सारे कॉलेजेज है, उसके उसके स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कॉलेजेज हैं, ओके। सो पहले इसके अंदर एडमिशन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एडमिशन प्रोसेस के, एक आपका 12th बोर्ड मार्क्स होता है जो कि आपके मार्क्स के कट ऑफ के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, एक आपकी होती है मेरिट मतलब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जो कि MULCET ऐसे कुछ होता है जो कि आपको देना होता है, राइट। फिर इसके लिए आपको आगे क्या करना पड़ेगा, कब इसका फॉर्म आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करना है, कितने पैसे लगेंगे, कंप्लीट चर्चा करते हैं अपन हमारी वेबसाइट पे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वेबसाइट। सो स्टूडेंट्स, मुंबई यूनिवर्सिटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एटलीस्ट आप मान सकते हो 4th week of May को एटलीस्ट, या फिर 3rd week of May, ये टेंटेटिवली डेट्स हैं, तो यहाँ तक कुछ कुछ चांसेस लग रहे हैं, ओके। सो इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है जैसे कि MULCET या फिर कोई इसे जो है MULCET मुंबई यूनिवर्सिटी, इसे जो भी कॉमन मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट या फिर कॉमन लेवल एंट्रेंस टेस्ट, ओके, इसे ऐसे भी कहा जाता है, ओके स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं अपन, जो ये कोर्सेज प्रोवाइड करती है जैसे BTEC, BA, MBBS, MD, DM, BDS, BE, BMS, आर्किटेक्चर एंड अदर्स, और PG कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसका जो भी प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे जो डेट्स दिया गया है यार, वो टेंटेटिवली दिया गया है, हो सकता है कोविड आ जाए या फिर अदर कोई इश्यू हो तो ये चेंजेज हो सकता है, ये सिर्फ टेंटेटिवली डेट्स हैं। यहाँ पे एटलीस्ट 4th week of May दिया गया है, आप 3rd week of May मान सकते हो, ठीक है। 3rd week of May तक आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट जो है 1st week of June तक रहेगा, और जो आपके प्री एडमिशन एनरोलमेंट है वो 1st to 2nd week of June तक रहेगा, और आपको जो भी सबमिशन देना है वो 2nd of June तक, और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो यानी कि 4th week of June तक आ जाएगी। तो आपको जो है अपनी एडमिशन फीस जो है वो जमा करनी होती है अपने डायरेक्ट अपने कॉलेज को, ठीक है। अब इसका जो कॉलेज है, इसके सिर्फ एक ही कॉलेज है इसके मेन कैंपस के अंदर, उसके अंदर भी सेम प्रोसेस है, एक एंट्रेंस लेता है, एक डायरेक्ट आप मेरिट बेस पे ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है, देन उसके एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो द एप्लीकेशन फीस कैन बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, कैंडिडेट कैन यूज प्रिस्क्राइब पेमेंट गेटवे एंड ट्रांजेक्शन फॉर एप्लीकेशन फीस। जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो है 1000 रुपये, SC ST की गई है 500, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कंप्लीट मुंबई यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। सो फॉर आर्ट्स या मैनेजमेंट कोर्स कैंडिडेट मस्ट पास 10+2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और साइंस कोर्सेज कैंडिडेट मस्ट हैव 2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जस्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एज मैंडेटरी सब्जेक्ट, ओके। और मेडिकल के अंदर आपको पता ही है PCB होना चाहिए। सो अपीयरिंग कैंडिडेट इन दैट क्वालिफाई एग्जामिनेशन 2022 कैन अप्लाई
फॉर द मुंबई यूनिवर्सिटी, और पीजी कोर्सेज के लिए भी सेम प्रोसेसर है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस विल बी फॉलोड द वेरियस फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट एडमिशन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, यानी कि आईआईटी टेस्ट, राइट। और तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट थ्रू द यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर द फाइनल एडमिशन प्रोसेस। फाइनल एडमिशन विल बी ऑफर टू द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाई द अथॉरिटी। ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी 2022 एंट्रेंस टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर जरूर फोकस करें। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी ऑल विल बी कंडक्ट यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन वेरियस ऑफर्ड UGPG। अथॉरिटी विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन एवरी रजिस्टर्ड कैंडिडेट आफ्टर फ्यू डेज फ्रॉम द कम्प्लीट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी इन वेरियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQs आते हैं, सभी को पता है। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके बाद में आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, देन उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होती है। सो आप काउंसलिंग पे भी थोड़ा ध्यान दें। मुंबई यूनिवर्सिटी काउंसलिंग विल बी आफ्टर फ्यू डेज डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मुंबई यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर every shortlist candidate through merit list. The counseling shall will be conducted in various round based on availability of seats after each round of counseling. The seat will be allotted the candidate on the basis their rank in this list. Right, और अगर मैं सीटों की अगर मैं बात करूँ तो इसके पास at least जो है 60 सीट तो available होती है और इससे ज़्यादा नहीं होती, I think 60 सीटें available होती है, तो आप देख सकते हो। और यार बहुत ही पुराना कॉलेज है मुंबई यूनिवर्सिटी, और इसके मैं कुछ आपको एफिलेटेड कॉलेजेस वगैरह दिखाना चाहूँगा। ठीक है, सो इसके जो है टोटली जो है 711 कॉलेजेस जो है एफिलेटेड है इससे। ओके, सो इसके यहाँ पे एफिलेटेड वाला ऑप्शन आ रहा है, देखो। सो स्टूडेंट, इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जितने भी अपडेट होती है काउंसलिंग से रिगार्डिंग सारी की सारी मैं लेकर आता रहूंगा। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हो तो नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसके अंदर हम मतलब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है एडमिशन की। ठीक है, और जो भी प्रोसेस होता है हम ऑलमोस्ट हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप ही करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अगर किसी स्टूडेंट्स का अगर इंटरेस्ट हो इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनोटिकल, एविनेशन, तो हमारा नीचे एक चैनल दिया गया है एविनेशन बाबा, और हमारे पास कुछ गवर्नमेंट एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेज भी अवेलेबल हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। आप सभी को पता होगा अभी जैसे गगनयान जा रहा है, नासा जो है, इलोन मस्क जो है, और हमारे जेफ बेजोस भैया तो चांद पर भेज रहे हैं लोगों को, मार्स पर भेज रहे हैं पैसे लेके, तो फ्यूचर में स्कोप है यार स्पेस टेक्नोलॉजी का। तो ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच, एक ईमेल आईडी भी दिया गया फ्यूचर ऑफ इंडिया एजुकेशन, उसका भी यूज कर सकते हो।